राम दीदी। जय साई राम भैया, जय जय साई राम। आपका बहुत बहुत राम। स्वागत है हमारे चैनल पर। भैया पहला प्रश्न तो यही होता है मेरा सबसे कि आप बाबा, आपको बाबा ने कैसे चुना अपनी जिंदगी में? बाबा जो है ना, कह सकते हो कि बहुत प्यार करते हैं। और अगर बाबा हमसे प्यार करते हैं तो थोड़ा बहुत तो प्यार हम भी बाबा से ही करते हैं, तभी बाबा की कृपा है। और मुझे नहीं पता कि वो मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं। मतलब अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें भी उन्हीं का कुछ प्रेरणा है या उन्हीं का कुछ आशीर्वाद है कि मैं बोल पा रहा हूँ। नहीं तो हम तो जैसे होता कैमरे के फोबिया है कि कैमरा अगर हमारे सामने और हमसे कोई कुछ कर रहा है तो एकदम घबराहट सी हो जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाते। और मतलब जैसे होता है ना कि कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, बोलना कुछ होता है, समझते कुछ है और बोल कुछ देते हैं। बट इस समय देखो बाबा ने कितनी शक्ति दी कि वो मैं अभी अभी दुकान से आया हूँ और जस्ट आके बैठा हूँ और उन्होंने इतनी शक्ति दी कि मैं एकदम आपसे मतलब इस पे बातचीत कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही बाबा का चमत्कार। तो भैया आपका दिन, मतलब आप बाबा के कब से जुड़े होंगे अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा आपको इंसिडेंट याद है या आपको किसी ने प्रेरणा दी कि आप कैसे, मतलब बाबा का आपको मैसेज कैसे मिला या बाबा को कैसे पहचाने कि भैया ये बाबा है, इनसे मेरा कुछ? एक्चुअली मैं कोई आई थिंक 9th या 10th में था, 2005 की बात है। तो बाबा का एक सीरियल आता था, तो उस दौरान ना मुझे वो हो गया था, जॉन्डिस हो गया था। हाँ जी। तो अब जॉन्डिस में तो घर पे ही था, रेस्ट में ही था, तो मैं बाबा का सीरियल देखता था। तो वो जो मेरा एक टाइम पीरियड था, बड़ा वो था, वो बाबा ने बहुत अच्छे से निकाला। और उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि मतलब वो बाबा ना अपनी तरफ खींच रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, हम पतंग को डोरी होती है और हम उससे पतंग बंदी होती है, और बाबा उसको मुझे ऐसा लगा कि मैं पतंग हूँ और बाबा डोरी है, वो उड़ा रहे हैं। तो वो इस तरह मुझे महसूस हुआ। तो जब से बस जुड़ा हूँ, और पहली बार जब मैं शिरडी गया तो भी मैं अकेला ही गया। मतलब उस समय शिरडी में मतलब उतनी भीड़ नहीं होती थी, बिल्कुल मतलब एक खाली सुकून सा ही होता था। और बस जब से ही बस बाबा ने पकड़ा था, और लॉकडाउन के 2 साल तो बाबा ने बुलाया नहीं, बाकी हर साल बाबा बुला ही लेते हैं किसी न किसी। बहुत 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 बढ़िया भैया। तो आप जैसे मुझे बता रहे थे कि भाई आपका एक ऐसा आपको आदत थी, लत थी, तो वो कैसे बाबा ने आपकी छुड़वाई? ऐसे तो बहुत वो हैं। मतलब अगर मैं आपके इस पे पॉडकास्ट पे अगर सुबह से शुरू हूँ ना और शाम तक बाबा की कृपाएं बताता रहूँ, तो आपकी आप थक जाओगे, मेरी पे कृपा बताने लायक खत्म नहीं होगी। मतलब बाबा के जितने भी भक्त होते ना बाबा के ऊपर, मतलब इतनी कृपाएं उनकी, इतनी कृपाएं कि अगर मैं रोड पे भी चल रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। तो अभी मेरे को, मैं मतलब हमारे परिवार में सभी जो है ना, ये रजनीगंधा 00 और सब खाते हैं। मतलब बचपन से ही हमने देखा है, अपने पापा को, ताऊओं को, भाइयों को, सबको, हमारे बाबा भी खाते थे। तो अब वही कि जैसे हमारे कहते हैं कि बच्चे को जब पैदा होता है तो शहद चटाते हैं, तो हमारे यहाँ वो एक वो प्रथा थी कि रजनीगंधा चटाते थे। तो आप ये सोचो कि मैं बचपन से कोई 6th 7th 8th से मैं रजनीगंधा खा रहा था। तो अब शादी हुई, शादी के बाद वाइफ ने बहुत कहा कि तुम ये छोड़ दो, मतलब क्योंकि देखते ही थे हम लोगों को, मतलब बीमारियां होती थी इससे, बड़ा परेशान रहता था मैं खुद भी। मतलब ऐसा लगता था कि मैं मुंह कटा रहता था, कुछ खा भी नहीं पाता था। तो आप कितना खा लेते थे ऐसा कि आपका मुंह इतना कट जाता था? मतलब रोज का घर वालों को तो बताता था 6-7 पाउच, पर हाँ 60-70 पाउच हो जाते थे। ओहो, इतना ज्यादा।
हाँ जी हाँ जी। तो अब वो उसके बाद शादी के बाद मैंने कहा चल कोई नहीं, अभी जब हमारे बेबी हो जाएगा उसके बाद छोड़ दूंगा। अब वो बच्चा भी हो गया, वो बड़ा भी हो गया, छूट ही नहीं रहा। मैं हर हर बार कहता इसको छोड़ना है तो छोड़ना है आपके छोड़ना। अंदर से इच्छा होती थी कि मैं छोड़ दूं? हाँ मैं चाहता था छोड़ना। एक्चुअली क्या है, मैं जब घर वाले सब कह रहे हैं मैं बीमारियां देखता था, एक्चुअली मुझे ना वो सुई से बहुत डर लगता है, अच्छा तो मैं चाहता था कि भाई मैं कोई मुझे बीमारी लगे इससे पहले मैं इस सब छोड़ दूँ, बट नहीं छोड़ पा रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि मैंने बाबा को सुबह प्रे करा, जब मैं बाबा का दिया जलाता हूँ, कि बाबा मैं इससे मैं इसको ना छोड़ना चाहता हूँ, और मैं मतलब अंदर से चाहता हूँ इस चीज को छोड़ना, और मैं छोड़ नहीं पाता। मतलब जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है चल यार खा लो, और काम में पता भी नहीं लगता मैं कब मेरे को इसमें अंदर लत में घुसता जा रहा। तो सुबह मैंने प्रे करी, शाम को जब मैं घर आया तो कोइंसिडेंटली कि वो बाबा का सीरियल टीवी में चल रहा था, तो उसमें ना एक दृष्टांत आया कि एक लेडी थी और एक उसके हस्बैंड थे, उसके हस्बैंड को ना किसी चीज की लत थी, तो वो उस लत की वजह से उसकी वाइफ इतनी परेशान थी क्योंकि उसका सब कुछ लूट गया था, व्यापार खत्म हो गया था, और वो आई थिंक उसको उसकी लत थी शराब की थी, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो उसने लेडीज ने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा इनको इस चीज से निकालो। तो बाबा ने उसको रात को सपने में दिया कि भाई तू इसको छोड़ता क्यों नहीं है। तो सपने में वार्तालाप हो रहा था बाबा का और उस आदमी का। तो बाबा से कहा बाबा मैं छोड़ना चाहता हूँ, बट मैं क्या करूँ, आप मेरी मदद करो मैं इससे निकल जाऊँ। तो बाबा ने उसको ये बात बोली कि बेटा तूने जब ये लत तेरे को लगी, जब तूने पहली बार इसका सेवन करा, तो क्या किसी ने फोर्स करा था उस चीज के लिए? तो उसने कहा नहीं, मैं तो अपनी खुशी से लिया था और मेरे को किसी ने फोर्स नहीं करा, मेरी किसी ने सहायता नहीं करी। तो बोले किसी चीज को अपनाने में सहायता नहीं करे तो उसको छुड़ाने में तुझे किसी सहायता क्यों चाहिए? तो तू अपने अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास रख, अपने आप में इतना दृढ़ता ला कि तू किसी भी चीज को पकड़ने में खुद सक्षम है, तो उसको छोड़ने में भी तू ही सक्षम रहे। तो वो मेरी बात ने ऐसा लगा कि बाबा मेरे से कह रहे हैं, बाबा एक माध्यम से ही तो हमें कोई बात बताते हैं, या कोई बिल्कुल सामने आके बिल्कुल थोड़ी ना हमें कोई कहेंगे बात। बिल्कुल और सुबह ही मैंने बाबा से प्रे करा था कि बाबा मुझे इस चीज से निकाल। मैंने उसी समय सोच लिया कि बाबा मैं कल से भी खाऊंगा, आप मेरी बस सहायता करें। और सुबह मैंने वही दिमाग में रखा, हालांकि मैं रोज रात को यही कह के सोचा था कि मैं सुबह नहीं खाऊंगा, बट वो लत होती है ना, वो आदमी को अपने आप उसके पास ले जाती है। बिल्कुल और उस दिन देखो उस बाबा का चमत्कार, मैंने बाबा का बाबा जी आज सुबह जब मैं उठा, मैंने बाबा के आगे हाथ जोड़े, मैंने बाबा मेरी मेरे को इतनी शक्ति देना कि मैं इस चीज से दूर रहूं। पूरा दिन निकल गया मैंने नहीं खाया, तो दूसरा दिन भी निकल गया मैंने नहीं खाया, तीसरा आपकी क्रेविटी तो आ रही होगी अंदर से कि भाई मैं खाऊं खाऊं, मतलब ऐसा मन हो रहा होगा क्योंकि इतना ज्यादा आप खा रहे थे। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे सच में पता नहीं लगा उस बात अच्छा ने क्या करा क्या नहीं करा, वाह, वेरी बहुत गहरा हुआ। वेरी नाइस वेरी नाइस। और फिर वो मैंने 3 दिन बाद वाइफ से कहा कि तुझे कुछ अलग महसूस दिया? बोली नहीं क्या? मैंने कहा मैंने 3 दिन से रजनीगंधा नहीं खाया। तो वो बोली कि तुम तो हर बार ऐसे ही कहते हो। मैंने कहा नहीं मैं सच बोल रहा हूँ मैंने नहीं खाया। और जब एक हफ्ता हो गया तो उन घर वालों को भी विश्वास हुआ, क्योंकि जो मुंह में जो टिश्यूज डेड हो गए थे वो जनरेट होने लगे, क्योंकि वो मुझे इससे पता लगा कि मुझे बहुत मिर्च लगने लगी, नमक भी लगने लगा मुंह में, मतलब बहुत 15 दिन मुझे मैंने बिना मिर्च का बिना नमक का खाना खाया, और मेरा वजन भी 4-5 किलो कम हो गया क्योंकि कुछ खाया नहीं जा रहा था। और वो 15 दिन बाद 1 महीना जैसे ही निकला मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और आज मुझे 6 साल हो गए बाबा की कृपा से। वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स मिली बाबा की आपकी।
आज भी मेरे परिवार वाले सब खाते हैं। और हालांकि मेरे एक भाई को इसकी वजह से कैंसर भी हो गया है, ओरल कैंसर, और मैं उसके साथ, इस बाबा की शक्ति है कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उसका पूरा इलाज करा रहा हूँ। और फिर भी मैंने, साथ भी मेरे लोग खा रहे होते हैं, तब भी मुझे इसकी तलब नहीं मचती कि मैं इसको खाऊं। इस बाबा ने, मतलब लोगों को भगवान कहते हैं कि मेरे को दोनों हाथों से दिया, मैं कहता हूँ पता नहीं कितना दिया, मतलब इतना दिया, हर चीज में इतना दिया कि इतनी शक्ति, हर चीज से लड़ने की, बात करने की, हर चीज से बाबा ने बहुत दिया। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात जरूर कहूंगा, सबसे कहूंगा कि आप अपनी बात ना, अगर आपको कोई दुख है तो आप अपने दुख अपनों को तो बताओ, चलो आपको जो करना है करो, बट अपने भगवान को बताओ, क्योंकि जो बाहर वाला उस दुख का समाधान करेगा ना, वो तो कुछ भी नहीं है। जब ऊपर वाला उसका समाधान करता है ना, तो वो बहुत सुंदर होता है, वो इतना अच्छा आपका हर चीज करेगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि पिता तो सब जानता है ना कि उसको कैसे हमें ट्रीट करना है। हाँ, वो हमें वो देता है जो सबसे सुंदर होता है, जो सबसे अच्छा होता है, जो सबसे बढ़िया होता है। हम ये सोचते हैं कि हमने बाबा से ये मांगा, हमें ये नहीं मिला, पर बाबा, आज हम बाबा से कहते हैं कि बाबा मुझे कोठी दे दे भाई, मेरे को 5 कमरों का फ्लैट दिला दे, और हमें नहीं मिला, तो हम ये सोचते हैं बाबा ने क्या, हमने एक फ्लैट 5 कमरों का ही तो मांगा था, बाबा ने नहीं दिया। पर वो बाबा ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाबा को हमें 10 कमरों का विला देना था, बिल्कुल बिल्कुल तो वो बहुत देते हैं, बस बिल्कुल हम मांगने में देरी कर देते हैं, वो देने में देरी नहीं करते। बिल्कुल और बिल्कुल आपका ये एक्सपीरियंस सुन के ना मुझे प्रवीण जी का एक बहुत अच्छा सा भजन की लाइनें याद आ रही है कि साईं से जाके मांग ले, वो सच्चा हजूर है, खाली नहीं लौटाएगा, देता जरूर है। वो बिल्कुल बाबा के 2 शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी। बिल्कुल आप, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि श्रद्धा तो बाबा के प्रति इतनी है कि बस पूछो मत, बट सबर भी बहुत है। मुझे पता है कि बाबा ने, अगर मैंने बाबा से कहा है तो बाबा देंगे जरूर, देंगे जरूर, और चाहे वो बस समय आने की इंतजार है, बाबा देते हैं, बहुत देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं एक और आपको बताता हूँ, अभी मेरी लव मैरिज है, और जो हमारे घर में ये था कि भाई हम पत्नी जाके करेंगे शादी, और उनके घर में भी ये था, तो हमारी पहले उसमें पत्री नहीं मिली, बट जैसे वाइफ भी बाबा को मानती है, तो बाबा ने उसी समय उसको एक दिन रात को सपने में आके कहा था, तू चिंता मत कर, तेरी शादी होगी, और मतलब बाबा ने ऐसे ऐसे कहा, मैं उसी बात का विश्वास था। तो आप, मतलब हमें नहीं पता वो पत्री कैसे मिली, कैसे सब कुछ हुआ, और आज आज हमारी शादी को 14-15 साल हो गए, तो वाह, बढ़िया है। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भैया। और मैं चाहूंगी कि आप दोबारा हमारे एक बार चैनल पर आएं और एक नया एक्सपीरियंस लेके, और अपनी वाइफ के भी हम आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। तो बहुत बहुत सुंदर भैया, बाबा बहुत आपको ब्लेस करें, और आपका जो भाई बीमार है उसके लिए भी मैं प्रे करती हूँ कि बाबा उसको स्वस्थ करें और उसकी भी लत छुड़वा दे जैसे आपकी छुड़वा दी है। तो बाबा से भी प्रेयर करूंगी और अपने दर्शकों से भी कहूंगी कि वो भी बाबा से प्रेयर करें कि उनका बाबा हर तरह से स्वस्थ रखें और उनके हित में जो सबसे अच्छा होगा वो उनको दे दें। नहीं, बाबा ने बहुत कृपा करी है, वो अब बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, पर वो बाबा, मुझे पता है, मुझे उस बाबा पे बहुत यकीन है, इतना यकीन है कि बाबा को ठीक करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। और आपको मैं ये दोबारा आऊंगा आपके चैनल पे और ये बताऊंगा कि मेरे भाई को बाबा ने बिल्कुल ठीक कर दिया, उसने बहुत दया करी बाबा ने। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं जल्दी और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ इस चीज का। फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। ओम साई राम भैया, ओम। सही।